के दौरान इंडोनेशिया से पाम तेल उत्पादों का निर्यात पिछले साल से 7 से 8 लाख टन कम होने की संभावना है। इंडोनेशिया पाम ऑयल एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान देश से 802 लाख 50 हजार टन पाम तेल का निर्यात हुआ था, जबकि 2024 में यह घटकर 295 लाख टन पर सिमट जाने का अनुमान है। वहीं इंडियन पाम ऑयल एसोसिएशन के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि के दौरान पाम तेल के घरेलू उत्पादन में 26% की बढ़ोतरी के साथ 544 लाख टन के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के आसार है, जबकि वर्ष 2024 के अंत में वहां पाम तेल उत्पादों का कुल बकाया अधिशेष स्टॉक 52,50,000 टन रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया दुनिया में पाम तेल का सबसे प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। साल 2023 में अलनीनो मौसम चक्र के प्रकोप से पाम बगानों में उत्पादन की रफ्तार कुछ प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, मगर अभी तक इसका कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आया है। उत्पादन बढ़ने और निर्यात घटने पर पाम तेल के आदि शेष स्टॉक में जोरदार इजाफा हो सकता था, लेकिन वहां बायोडीजल निर्माण से पाम तेल का उपयोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए स्टॉक में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी होगी। दरअसल भारत में पाम तेल का सर्वाधिक आयात इंडोनेशिया से ही होता है, अभी तक आयात में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।